स्क्वायर ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इज तो हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है व्हील की कितनी है इनिशियली हमारे पास देखो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहा होगा ठीक इनिशियली अभी हमारे ब्लॉक हमारा मान लेते हैं यहाँ पे रहा ठीक है हमारा रेफरेंस हो गया इस ब्लॉक का अभी ब्लॉक हमारा रेस्ट में है ब्लॉक की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो है अगर ब्लॉक हमारा रेस्ट में होगा इट इटमी से ब्लॉक हमारा नीचे नहीं जाएगा तो पुली भी हमारा रेस्ट में होगा तो पुली की जो इनिशियल एंगल वेलोसिटी होगी लेट से वो क्या था हमारे पास ओमेगा ओमेगाई उसकी वैल्यू हो गई जीरो ठीक अब जैसे ये ब्लॉक हमारा नीचे जाना लगेगा तो जैसे ही ब्लॉक हमारा नीचे जाएगा तो पुली अपने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ गिवन है इट इटमी से रोटेट कर जाएगी ये ब्लॉक के नीचे जाएगा आप देखोगे तो क्या करेगा हमारे पास पुली यहाँ पे हिंज्ड होगा इसके अबाउट ये रोटेट कर जाएगी हमने कहा कि जैसे रोटेट करना होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा कब जब ये ब्लॉक हमारा एच डिस्टेंस रोटेट करके नीचे चला गया होगा क्वेश्चन में कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट से ब्लॉक हमारा रोटेट करके एच डिस्टेंस नीचे चला जाता है एच हाइट देन द दे स्क्वायर ऑफ एंगुलर स्पीड हमें फाइंड आउट करनी थी ठीक तो यहाँ पे देखो जब ब्लॉक हमारा यहाँ पहुंच गया होगा तो ये ब्लॉक हमारा यहाँ पहुंच गया होगा तो हमने कहा कि अपने रेफरेंस से ये h हाइट नीचे चला गया रेफरेंस से ये हमारा रेफरेंस था रेफरेंस से जब ये h हाइट नीचे चला गया होगा तो उस समय हम मान लेते हैं कि इस बॉल की अभी ये ब्लॉक ये बॉल हमारा स्ट्रिंग से कनेक्ट रहा होगा सॉरी ये ब्लॉक हमारा स्ट्रिंग से कनेक्ट रहा होगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी नीचे जाने की हम मान लेते हैं कितनी थी v ठीक तो देखो इस से नीचे जाएगा तो यहाँ पे देखो उस समय जब ये ब्लॉक हमारा एच डिस्टेंस जा चुका था इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई थी ओमेगा क्लियर हो गया इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी कितना था पुली का एंगुलर वेलोसिटी जीरो था क्योंकि ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में था तो अब देखो क्या हुआ होगा कि जब ये एच डिस्टेंस नीचे गया होगा जब ये पूरा सिस्टम सॉरी ये जब हमारा ब्लॉक डिस्टेंस नीचे गया होगा तो पुली अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर गया होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन आएगा टी यहाँ पे टॉर्क दे देगा ठीक ये टेंशन टी टॉर्क दे देगा जिसकी वजह से पुली हमारा रोटेट कर रहा होगा क्लियर हो गया अब हमें यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना था स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं टोटल एनर्जी जो फाइनल थी टोटल एनर्जी जो इनिशियली थी टोटल एनर्जी जो इनिशियली थी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी हमारा फाइनल के इक्वल हो जाएगा ठीक अब देखो इनिशियली हमारे पास क्या था इनिशियली हमारे पास ये ब्लॉक जो हमारे पास ब्लॉक था ए रेस्ट में था इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो और ये रेफरेंस था तो रेफरेंस में अगर देखो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जीरो तो यहाँ से टोटल एनर्जी अगर देखो तो हम लिख सकते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसका ऑफ द ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली देखो हो जाएगा हमारे पास प्लस अब देखो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है ये तो हो गया अभी काइनेटिक एनर्जी की बात हुई प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी तो लिखोगे अगर देखो कहीं टोटल एनर्जी लिखा जाता है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो अभी तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा इनिशियली ठीक किसकी बात हो रही है इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा किसका सिर्फ इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी देखोगे ठीक अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आ गया अब आते हैं फाइनल में तो फाइनल में अगर देखो तो किसके पास कौन सी एनर्जी होगी ये हम देखेंगे फाइनल में देखो हमारे पास ये ब्लॉक था नीचे पहुंच गया उसकी वेलोसिटी कितनी थी भी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ब्लॉक की तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा प्लस यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये पुली है रोटेट कर रहा है पुली तो हमारा लीनियर मोशन तो नहीं कर रहा है पुली हमारा रोटेट कर रहा है अगर पुली रोटेट कर रहा होगा तो आप खुद देखिये की पुलिस के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी पुली की प्लस अब यहाँ पे देखो पुल की कनेटिक एनर्जी होगी ब्लॉक की कनेटिक एनर्जी होगी अब आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का नंबर तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये हो गया फाइनल ठीक अब यहाँ पे देखो इनिशियली जो हमारे पास ब्लॉक था इनिशियली हमारी रोटेट नहीं कर रही थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहा था अगर देखो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि इसी रेफरेंस पे ब्लॉक रखा गया था तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ठीक अब यहाँ पे देखो अब आप सोच रहे होंगे इस पुली की पोटेंशियल एनर्जी लिखोग इनिशियली इस रेफरेंस से एच हाइट पे होगा नहीं पुली हमारा क्या है यहाँ पे पुली का मास नहीं केवल है तो पुली की पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लिखेंगे क्लियर हो गया अब यहाँ पे देखो अब आते हैं हम अपने फाइनल पे तो इनिशियली हमारे पास क्या था कानीटिक एनर्जी ये था ए भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास इस ब्लॉक का जीरो था क्योंकि ये रेफरेंस हमने मान रखा है अब आते हैं अपने पॉइंट बी पर सॉरी फाइनल पे ठीक तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ब्लॉक था

यहां पे देखो ये हमारा आ गया रोटेशनल कानेटिक एनर्जी ऑफ द पुली अब हम लिखेंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी किसकी ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी अब ब्लॉक हमारा देखो इस रेफरेंस एक्सिस से नीचे गया इट मीनस उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस एम जी एच एच ठीक क्योंकि एच डिस्टेंस नीचे गया तो इसकी हो जाएगी हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन बन गया अब यहाँ से अपना आंसर हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो एम जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होगा आई क्या होगा आई हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास ये पुली मान लेते हैं हमारे पास क्या था व्हील था तो यहाँ पे देखो इसको हम पुली मान ले रहे हैं तो ये अपने सेंटर के अबाउट एक एक्सिस होगा उसके अबाउट रोटेट थी तो उसका मोमेंट ऑफ क्वेश्चन में गिवेन है कितना आई वो हमारा आई हो जाएगा इंटू आर तो क्या था? इसकी एंगुलर वेलोसिटी अब अगर देखो यहाँ पे अगर देखो ये हमारा जो ब्लॉक वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा था अगर यहाँ पे ब्लॉक वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा था तो उस समय अगर देखो तो वी क्वाल क्या हो जाएगा हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होता है, आर की हो जाता है ठीक आर क्या हो जाएगा हमारे पास इस पुली की रेडियस हो जाएगी जो कि क्वेश्चन में स्मॉल आर तो यहाँ पास स्मॉल आर इंटूमेगा क्लियर हो गया v क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल ओमेगा तो इस वैल्यू अगर ओमेगा के से में से स्मॉल आर होगा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो एम जी एच इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी की जगह पे क्या रखोगे आर क्लियर अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना था ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमें क्या बताना था स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देन द स्क्वायर ऑफ एंगुलर स्पीड ठीक तो एंगुलर स्पीड बोलिए चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलिए अब यहाँ से उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ से देखो इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम जी एच यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एम जी एच इक्वल टू यहाँ पे हम देख पा रहे हो हाफ और ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आई ठीक क्लियर हो गया i plus m r square अंदर बचेगा अब आप क्लियरली देखो इसको हम सॉल्व करने हैं तो ये two हमारा इधर जाएगा जा जा जा, क्या हो जाएगा हमारे पास two m g h ठीक डिवाइडेड by यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास i plus m r square ठीक ये आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही हमें कैलकुलेट करनी थी ठीक तो ये हमारे पास क्या था टू एम जी एच डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वा स्क्वायर अगर आपसे पूछता कि आप बताइए एंगुलर स्पीड के स्क्वायर बताइए तो ये हो जाएगा कहीं आपसे पूछ लेता कि ओमेगा की वैल्यू बताइए तो ओमेगा तो आप क्या कर देते आप रूट ले लेते टू एम जी एच डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्कवायर इसका आप पूरा रूट ले ले तो आपको ये मिल जाएगी उस जो हमारे पास व्हील थी या पुली थी उसकी एंगुलर वेलोसिटी जब हमारा ब्लॉक एच डिस्टेंस नीचे जा चुका होगा उस समय तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर।